श्री गुरु नानक देव जी जी परम पुरस्कार योग साथ संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी आज असि साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब देश देश पिता दिन मना रहे हैं। उनकी महिमा उनकी लीला जितनी न्यारी भी सी वो शहनशाह उनके शहनशाह भी सन। असूलों से बहुत घट चल रहे मुश्किल लगते हैं। अस कल युग के पदार्था के आदि हो चुके हैं। जो अस फरमान वर्बेटम कैरी आउट करिए तो मैं समझदा कि सिखी या सिखी के मनने वाले जनता कोई कष्ट नेड़े नहीं आ सकता। उन्होंने साडे वास्ते बहुत कुछ उचार के रख दिता है। चपाई साहब बेनती ही हैं अकाल पुरख के चरणों के बीच उन्होंने ब्यास के कंधे पे बैठ के विचार दी साडे वास्ते और जो भी गुरबाणी उन्होंने उचारी है लसानी और लाजवाब है। जब जाप साहब का सिमरन करते हैं तो साढ़े हिरदे और जोश भर जाता है कि साढ़े जो जिन्नी भी डर पै जवान तो पै सही तरह के नाल गायन भी नहीं कर सकते। फिर भी अज असी उन्हों का दिन मना रहे हैं और मैं अपनी भावना के अनुसार मेरी भावना का कोई मुल नहीं है मामूली जी भावना है पर फिर भी मैं दिल करता है किसी यह हफ्ता वो भी सिमरन अमृत के अमृत इस्तेमाल के अमृत इस्तेमाल असं इनान करते हैं धन गुरु नानक धन गुरु नानक करके और उसका सेवन करते हैं सवेरे और घर के धन गुरु नानक धन गुरु नानक करके छेते दें रात में सौन लग्या अमृत पी के धन गुरु नानक करके असी धन गुरु नानक का सिमरन करते हैं। लेकिन अज मैं तुम बेनती करांगा आप स्विच ओवर कर जाइए थोड़ा जहा जो दशमेश पिता ने सानू दिता है वो सानू याद भी होना चाहिए है और उस सानू रिवाइव भी करना चाहिए जो असं भुल गए हैं। तो कि उन्होंने
नाम की उदारता का ही तुसा सिमरन करना है और तुसी देखोगे थोड़े जीवन च बहुत सारा निखार आ जाएगा। बाकी मैं बेनती करूंगा कि जो जो तुसी मंगनी तो जरूरत है ही नहीं, सिमरन नाल ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन बालों की पाल विच कुछ संगत साढ़े दरबार दे विच अज आई है, मैंने मिले भी हैं। मैं उन्होंने यही बेनती करूंगा कि तुसी एक हफ्ता यह अमृत का सेवन करो ते नाल दशमेश पिता का गायन करो ते अपना बहुत कुछ हल हो जाएगा आने वाले एतवार में। अज मैं बहुत कुछ कहना नहीं क्योंकि उनका जीवन जरा है और जिन्ना भी कहो घट है, लेकिन जिन्ना जिन्ना भी असं ज्यादा कोशिश करा उन्होंने दसाने की, हो सकता है असं उस म्यार तक ना पहुंच सकिए क्योंकि वो अजिही शख्सियत हैं कि जिन्होंने दर्शन हुए हैं उन्होंने अखा चुंद आ गई हैं, उन्होंने तेज बहुत है, तप बहुत है, बल बहुत है, रहम बहुत है, दानी बहुत बड़े सन, तो दुष्ट दमन सब तो ज्यादा दुष्टों को देख के सिखाते नहीं सन। इतों तक तुम पता है कि उन्हें मुगलिया खानदान के मुसलमान नहीं कह सकते, मुगलिया खानदान कहेंगे जे पठा साहब दरबार के नजदीक मुसलमानों का घर सी जिन्होंने उन्होंने लुकाया, चमकौर साहब के नजदीक जब चमकौर चो ताड़ी मार के निकले हैं उठे दे मुसलमानों ने उन्होंने उसका पीर बनाया। बहुत सारी घटना अजिहिया साढ़े सामने आदि हैं कि जीवन जरा है सर्व सांझा सी, सर्व सांझा, फिर भी उन्होंने सिखी नूं बढ़ावा देने की खातर बहुत सारिया कुर्बानियां कर दित्तियां। सो इस वीक दे विच असीं इही कुछ करांगे क्योंकि असीं भी दरबार वालों कुछ कर रहे हैं, सिर्फ सेवादारी करांगे। असीं अपनी श्रद्धा दे थोड़ी उन्हां दे पेट जरूर करने हैं क्योंकि उन्हों का इस दरबार के बहुत सारा हिस्सा है। इस दरबार की साजना साहब श्री गुरु नानक साहब जी की हुई है, साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब की रक्षा के थले पल रहे हैं, दशमेश पिता का इतने पहरा है, श्री गुरु बाबा गुरप्रताप सिंह की इतने सेवा है, इस करके इस दरबार के बहुत सारे साढ़े सवाल हल होंगे। मैं तो यह देखा है अपनी इस 52 साल की नौकरी के बहुत घट इस दरबार तो खाली गए हैं, खाली जरूर गए हैं, क्यों उन्होंने पासों सिमरन नहीं हो सकिया, उन्होंने पासों अमृत की वरतों सही अवस्था के नाल नहीं हो सकी और साड़ी घाट यह रही कि असी उन्होंने बहुता साथ नहीं दे सके, संगत वधदी रही असी घटदे रहे, साड़ी सेवा भी किसी खास इंडिविजुअल दे खातर नहीं रह सकी। पहला जरूर हिस्सा लैंदे सा, फिर ज्यादा संगत होने करके ये नहीं कुछ हो सकिया।
हूँ। तुम आज भी तुम देख रहे हो कि मैं तो टोटली ब्रोक टायर्ड हाँ, क्यों संगत का रोल बहुत है। दरबार के जड़े फिलावट है उस वाल भी ध्यान बहुत जा रहा है। रात में फिर इतने साढ़े जिस वेले प्यार आता संगत में तो कीर्तन च बैठ जाती उठती नहीं है। असि डिस्करेज बहुत करते हैं कि ना अपने घर च जाके सिमरन करो, पर फिर भी मैं नहीं पता कि उन्होंने क्यों ज्यादा गूंद लगता है इस दरबार के अंदर। असी तो सिर्फ दो तीन गल्लां अपने प्यार हित संगत में पेश करते हैं, उन्होंने जी आया आखते हैं। चाहे दसते हैं चाहे नहीं दसते, असं पूछते भी नहीं, पर सू पता हूं जरूर है कि असं सतगुरों के सू दे है उन्होंने गायन जरूर करते। इंटरनेशनल जो भी किसी समस्या आती है टेलीफोन द्वारा हल हो जाती है। जो टेलीफोन नहीं लगते तो सेवन अक्सीर है तुसी वर्त के देखोगे तो थानू पता लगेगा कि थोड़े रोग किस प्रकार लै रहे और थानू किस प्रकार साहबान के नाल प्यार आ रहा है। सो यह तुसी अवस्था करनी है। अज मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना। नेक्स्ट दरबार में जल्दी आने की खेचे करना। हम मैं समझदा कि साढ़े दरबार से दो वेले वाला करते हौली 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 चार बजे तक खिसक गया। सर्दियों के दिन तुम जो दो बजे आओ तो अं साढ़े चार बजे समाप्त कर देंगे। ढाई घंटे बहुत होंगे हैं। ढाई घंटे के मन के अंदर सतगुरों के नाम की बड़ी वार मचा जाती है। जो सा रोग है वो लिथते रहते हैं। तुम अगले हफ्ते दो घंटे पहला आओ तो मेरी इच्छा कि मैं मेरे बहुत दुखी होंगे उन्होंने मैं गल भी करनी है। जब उन्होंने कुछ वधेरे हल दे सका मैं जरूर दूंगा। वो केवल अगला एक ऐतवार है नहीं तो परंपरा के हिसाब के नाल असं चलते रहेंगे तो अमृतदास के नाल ही संगत कर दी रहनगियां तो उन्होंने नाल ही उन्होंने दुख दिले दर मिटते रहेंगे। और जो हुक्म साहबान के आएंगे वो सब दर्शाए जाएंगे ताकि असं उस हिसाब के नाल चलते रहिए। यह जरूर है कि समा जरा है बड़ा डरावना भयानक सामने आ रहा है। किसी ने पता लगना की हो जाना है। कुदरत का हाथ बहुत वड्डा इहदे विच है ते जिहड़े नाम लेवा होंगे उन्हां ते बड़ी हिम्मत रहेगी बड़ी हिम्मत रहेगी बड़ी हिम्मत रहेगी। देखो ईमान दे विच की हो गया इत्थे पता नहीं की होना। ज्यादा तौर पर सब ठीक लगता लेकिन
अंदरों अंदर ही बहुत कुछ चल रहा है। सो नाम जपना जोड़ा है, नाम की आधारता है अमृत पी के, अमृत पी के असं अपने दरबार में यह गल करते हैं। यह अमृत सन बख्शिश है साहिबों की, यह अमृत सारे थोड़े दुख दलिद्र दूर करता है, आशा जी आधारता के नाल ही पूरी होंगे हैं। यह तुम कह लो कि जो अमृत है यह एक दरबार का एम्बलम है, जिस पास तगमा है उत्ते रहमत होंगी जा रही है, मुक्त मान है। तुसां सारे सिमरन करो दशमेश जी के नाम का, मेरा उन्होंने प्यार बहुत है, तो उन्होंने बारे बयान भी कुछ नहीं कर सकता, क्यों प्यार के ना ऐसा प्यार के नाम जा हुआ है कि लफज निकल जाएंगे सिफत अंदर लफज इन सिफत भरपूर अंदर रोजान लफज बहुत प्यार है, जिस वे प्यार बहुत हो जाता है तो गला भी घुट होता है। प्यार प्यार हर जिंदगी प्यार प्यार लोचती है, और तुम प्यार उन्होंने नाम का एक हफ्ता लैके देखो थोड़े च बड़ी चेंज आ जाएगी, बड़ा रंग आ जाएगा। हम तुम दशमेश भी तभी कहो कहो वो भी बहुत है, जब छप्पन शब्द पाठ करो अगर तुम्हें कुछ मुश्किल लगता है तो अचानक ना पहला छप्पन शब्द पाठ तो जरूर उन्होंने नाम है, ये तुम थोड़े वास्ते सेवा है दरबार की। हम सेवादार दरबार में कुछ कहना अगले एतवार वास्ते, अगले एतवार वास्ते तुम आओ जरूर आओ और मैं थोड़ी सेवा करा खुल के करा, यह नहीं कि नहीं करा, कोशिश करा हर एक ना गल भी करा। वाहगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री वाहेगुरु साहिब जीओ, तू तब दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जीओ, किछ तेरे नाराई हर दीजे नाम प्यारी जियो, बिलावल महला राख लिए अपने जनिया, कर कृपा हर हर नाम दिनों, मिस गए सब सोग संता, राख लिए अपने जनिया, कर कृपा हर हर नाम दिनों, गए सब सोग संताप राव, गुण गोविंद गावे सब हर जन, राग रतन रसना आला कोट जन्म की तिस्मा निवरी,
हम रसायन आत्म तेरा चरण गहे शरण सुख दाते गुरु के बचने जपे हर जा सागर तरे परम प्रभु से कौ नानक ठाकुर पढ़ता सागर तरे परम प्रभु से कौ नानक ठाकुर प्रताप। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।